राधे राधे सभी को। आज हम बना रहे हैं पनीर के पराठे और बहुत टेस्टी बने थे यार वास्तव में। चलो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे बनते हैं। ये है घर का पनीर, इसमें सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाली हैं, धनिया, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, नमक, गरम मसाला पिसा हुआ। ये हमने आटे का डो बना के रख रखा है और इसको थोड़ी देर पहले ही लगा के रखना, तुरंत नहीं, क्योंकि आटा थोड़ा सा हल्का मुलायम भी होता है। और हमने ये बना ली लोई और इसको थोड़ा सा गोल करते करते अंदर की तरफ डिप करना है और इसमें भरना है ये पनीर। पनीर भर के इसको गोल गोल करके और ऐसे गोल गोल करके इस पे आटा लगा के और उसको बेलना है। वैसे बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इसको हरी चटनी, सॉस वगैरह किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब इसको बेलना स्टार्ट करना है और हल्के हाथों से इसको बेलना है, ज्यादा दम नहीं लगाना, नहीं तो पनीर पराठा फट जाएगा और पनीर बाहर आ जाएगा। हल्के हाथों से इसको बेलकर इसको और तवे पर सेकना है। सेकना किससे है, हमने निकाला है रई वाला घी और रई वाले घी से हम इसको बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत अमेजिंग। ऐसा बन गया है। अब इसको हम तवे पर डाल रहे हैं, तवे पर डाल के हमने जो रई का घी निकाल रखा है वो इसके ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद ये थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाए। आपको पता है पराठे नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं लेकिन बड़ा मजा आता है खाने में यार। मैं तो सबसे बड़ी वाली फूड लवर हूँ, मुझे खाने का बहुत ज्यादा ही शौक है, बहुत ज्यादा ही। और जी जो बना रहा है ना ये पराठे, ये मेरी सिस्टर है बड़ी और ये मेरी बड़ी सिस्टर बना रही है पराठे, तो बड़ा मस्त बना था यार। हमने खा के देखा था, मजा आ गया था ये घी के साथ खाने में और इतना सारा घी लगा के इसके ऊपर, और वाह यार, यम यम यम, हाँ बहुत मजा आया था इसको बनाने में और खाने में भी, क्योंकि ये बहुत बेस्ट लगता है पराठे, तो जिंदगी का फलसफा पूरा हो जाता है इनको देखने के साथ। इसको आप दही चटनी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, आप इसको मलाई के साथ खा सकते हैं, रबड़ी के साथ भी मैंने इसको ट्राई किया था पराठे को, बहुत टेस्टी बना था ये, बहुत ज्यादा। थैंक यू।